सारंगढ़ जनपद पंचायत में 100 से अधिक पेंशन धारियों को डायरेक्ट पेंशन का वितरण जनपद सीईओ सत्यव्रत तिवारी के द्वारा किया गया। दरअसल विगत दिनों रायगढ़ कलेक्ट्रेट में आयोजित एक बैठक में प्रभारी मंत्री उमेश पटेल के द्वारा रायगढ़ कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, जिले के जनपद सीईओ और सभी बैंकर्स को बुलाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पेंशन के विषय में गहन चर्चा हुई, जिसमें प्रभारी मंत्री के कड़े निर्देश दिए थे कि हफ्ते के बुधवार को सभी जनपद सीईओ एक शिविर लगाएं और उस शिविर में डायरेक्ट पेंशन धारियों को मुहैया कराएं, जिसमें बैंकर्स भी अपनी पूरी सहभागिता दें। इसी के मद्देनजर आज बुधवार को शिविर लगाया गया, जिसमें 100 से अधिक पेंशन धारियों के खाते में डायरेक्ट पेंशन राशि डाली गई। साथ ही जो पेंशन धारी सक्षम नहीं थे, उन्हें जनपद सीईओ सत्यव्रत तिवारी ने बैंकर से डायरेक्ट लेकर उन्हें प्रदान। सर, आपके द्वारा एक पहल की जा रही है, यहाँ पेंशनधारियों को डायरेक्ट पेंशन दिया जा रहा है, किनके निर्देशानुसार पेंशन दी जा रही है? माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, रायगढ़ के द्वारा एक समीक्षा बैठक ली गई थी, जिसमें सभी बैंकर्स और सभी जनपद के सीईओ को बुलाया गया था। कलेक्टर साहब और जिला पंचायत मैडम उपस्थित थी वहाँ बैठक में। उनके निर्देश पर प्रत्येक जनपदों में शिविर लगाना था और प्रति बुधवार बैंक के कर्मचारी जनपद में उपस्थित रहेंगे और ग्राम पंचायतों के जो ग्रामीण हैं, जिनकी बैंक के पेंशन संबंधी या नरेगा के लंबित भुगतान संबंधी समस्याएं हैं, वो बैंक जनपद में आए और प्रति बुधवार बैंक के कर्मचारियों के साथ, जनपद के कर्मचारियों के साथ अपनी समस्याओं को बताकर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री और कलेक्टर साहब और सीएम मैडम के दिशा निर्देशों पर कार्य किया जा रहा है। सारंगढ़ जनपद में पहली बार हो रहा है कि यहाँ पेंशनधारी लाभान्वित हो रहे हैं, डायरेक्ट उनको पेंशन दिया जा रहा है, क्या ये लगातार यहाँ ये बदस्तूर चलते रहेगा? हाँ, जब तक कि ग्रामीण अंतिम व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रति बुधवार ये शिविर लगाया जाएगा। जनपद के कर्मचारी और बैंक के कर्मचारी मिलकर इसको हल करेंगे। इसका कोई टारगेट है सर, कितने लोगों, कितने पेंशनधारियों को यहाँ पेंशन डायरेक्ट देना है, इसका कुछ? जिनके भी खाते में दिक्कत आ रही है, चाहे वो अंगूठे के कारण हो या आधार के कारण, उन सभी को बुलाया जाएगा, किसी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। आपके यहाँ कितने कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं? इसमें हमारे नरेगा के सभी कर्मचारी और पेंशन शाखा के सभी कर्मचारी सहयोग कर रहे हैं। अभी तक कितने पेंशनधारी लाभान्वित हुए हैं? अभी तक 100 पेंशनधारी उपस्थिति दे चुके हैं और सतत रूप से उनका किया जा रहा है। 10 लाभार्थी हितग्राही इसमें लाभान्वित हो चुके हैं। कितने समय तक चलेगा सर ये? पूरे कार्यालय समय तक करना है, आज से कल भी चलेगा, लगातार चलेगा? नहीं, प्रति बुधवार करना है इसको, मतलब हफ्ते में बुधवार को शिविर लगाना है जी।